हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 10:29 और हम सब लोग मिलकर पी रहे हैं भाई गर्मा गर्म चाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको पता है मेरी नींद खुलता ही भाई गर्मा गर्म चाय बनती है, तो मेरी चाय भी रखी है भाई। ये देखो शानदार चाय, वो भी आधा गिलास। और यहाँ पापा जी कर रहे हैं भगवान की पूजा, तो भाई सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है भाई, वो चाय क्यों ना पी रहे हो। चाय पीने का सबसे बड़ा काम होता है भाई, शांति से पियो तो चाय लगती। हाँ भाई, हमने सुबह की चाय शांति से हो गई, पूरा दिन अच्छा बीत जाता है। अच्छा बीत जाता तो भाई मैं भी बैठता हूँ आराम से, और हम मम्मी चाय का लेते हैं सुबह सुबह आनंद। भाई साहब को नाश्ता पानी सब करा के भाई साहब हो गए तैयार और जा रहे हैं ऑफिस। भैया मीटिंग में चलना है, कॉल आ गया है 2 बजे के आसपास। हाँ, 2 बजे के आसपास है, तो हम नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, आ जाओ फिर चलना है इकट्ठे एक साथ। ठीक है, हो जाना भाई। हाँ टाइम पे हो जाएंगे। हाँ पक्का पक्का, होके आना जब तक तुम तैयार हो जाओगे। बिल्कुल, जैसे ही आओगे हम रेडी मिलेंगे, उसके पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, नहा धोकर हो गए तैयार और भाई खाना भी हो गया है बिल्कुल तैयार। मम्मी जी ने बिल्कुल गर्मा गर्म खाना बना दिया भाई। ये देखो शानदार दाल कटहल की सब्जी और गर्मा गर्म चावल। भाई साहब आ गए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लेट है ये, ऐसा आ गए थे लंच मंच करके, फुर्सत हो चुके हैं भाई। दोनों भाई हो गए हैं तैयार, अब यहाँ से चल रहे हैं भाई बहुत सारे काम है, एक एक करके आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहले तो भाई बैंक चल रहे हैं, मात्र 15 मिनट बचा है बैंक क्लोज होने में। अरे 15 मिनट में पहुँच गए बैंक के अंदर, तो भाई अपना चेक क्लियर, नहीं तो फिर कल का रास्ता देखना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे काम। भैया गाड़ी निकालो जल्दी, फटाफट चलो बैंक। पहुंच गए भाई बैंक, और ट्रैफिक तो इतना जाम है, अभी 5 मिनट है, अंदर चलते हैं फटाफट चेक लगाते हैं। काम हो गया भैया, लास्ट के 2 मिनट में हमारा चेक क्लियर हुआ है। एक दो लोग खड़े थे, उनका काम फटाफट हुआ, और 2 मिनट खड़ी में बचे थे, 2 मिनट मैंने लगाया चेक दिखाया चाहते चाचा चेक है बोले हाँ रुको 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 लगाए बोलते जाओ जल्दी से ला दिए। और भाई लास्ट के 2 मिनट में चेक क्लियर हो गया, मस्त काम हो गया। यहाँ से अब चलते हैं अपने बैंक में, है ना भाई। चाचा अपने कैशियर हैं, काम जल्दी होता है, इसलिए अपना क्या है दाव लगा लेते भाई अगली के 15 मिनट 10 मिनट में। हाँ फटाफट आओ और काम करके फुर्सत चलो। अब चल रहे हैं अपने बैंक में डिपॉजिट मशीन में, कुछ डिपॉजिट करते हैं। भाई पहुंच गए हम अपने बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन में, अंदर भाई साहब एक खड़े हैं, वो निकल जाए तो अपना अपना पैसा डिपॉजिट कर दें और उसके बाद भाई फुर्सत हो जाए यहाँ से। एक ही व्यक्ति है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। उसका यार भाई एक बहुत सा एक सर का फोन आ रहा, बहुत अर्जेंट मीटिंग करनी है। हाँ जो सुबह मैंने बताया था ना 2 बजे की मीटिंग, अब थोड़ा सा हमने लेट किया भाई, तो वहाँ से सीधे फोन आ चुका। हाँ यहाँ से सीधे विजयनगर में चलना भाई, बहुत जरूरी मीटिंग है। काम फुर्सत हो गया, अपना पैसा डिपॉजिट हो गया है, टेंशन फ्री। अब यहाँ से सीधे निकलते हैं विजयनगर के लिए और मीटिंग में पहुँचते हैं तुरंत में। जहाँ हमें पहुँचना था भाई मीटिंग के स्पॉट पर हम पहुँच चुके हैं, सेकेंड मंजिल हमको जाना है। ऊपर से कॉल ही आ रहा है, तो भाई कॉल अटेंड करते हैं और मीटिंग करके फुर्सत होके फिर आपको ज्वाइन करते हैं। मीटिंग हो गई भाई शानदार, अपना काम हो गया यहाँ से फुर्सत, है ना। अब यहाँ से भाई साहब बताओ कहाँ चलना है अगली बार। यार छोटा सा हमको एक ऑनलाइन का काम है, प्रिंस की दुकान पर पता करते हैं, अगर प्रिंस आया होगा हाँ। तो वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा काम कर लेते हैं, सरकारी काम है उसको कंप्लीट करके फीडिंग करके जमा कर दें। जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं वो हम ही लोग को दिए जाते हैं, अपने सिर पटकते हैं, और कोई करने तैयार ही नहीं रहता, क्योंकि भारी काम होते हैं ना भाई, जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, वजनदार काम होते हैं, ज्यादा जिम्मेदार हो गए, ज्यादा जिम्मेदार हो गए। सही बात है, जितने काम से अपने सिर पे दे दो भैया करवाते रहो बैठ के। चलो यहाँ चलते प्रिंस के, चलते काम हो जाए भगवान की दया से तो अच्छी बात है, नहीं तो कल फिर ट्राई करना पड़ेगा। पर आज हम सोच रहे काम कर ही दे, यहाँ का काम हो गया, वहाँ का काम हो, सब काम करते चलते फिर घर निकल जाएंगे भैया। और भी 3-4 काम घर के भी है भैया, है ना। चलो चलो सब काम निपटा देंगे आज। भाई पहुंच गए प्रिंस की दुकान पर, हमारा काम चालू हो चुका है, भाई साहब बैठ चुके हैं। दिमाग वाला काम है भाई, जो हमें काम दिया जाता है ना, जो बहुत कठिन काम दिए जाते हैं, तो इसमें समय कितना लगे इसका अनुमान अभी नहीं बता सकते। हो सकता है कि 15 मिनट में हो जाए, हो सकता है कि 2 घंटे में हो,
तो भाई साहब बैठे, अपन भी यहीं चेयर पर आराम से बैठते हैं, विचार विमर्श करके सब काम फुर्सत करके ही यहाँ से निकलेंगे। और समय हो रहा अभी भैया 5:30, गर्मी थोड़ी सी कम हो चुकी है, शानदार मौसम हो रहा है। यहाँ का काम भाई हो गया फुर्सत, समय हो रहा 6:38, एक कॉल और आया भैया, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं सदर में, उनसे मिलना है, तो यहाँ से चलते सीधे सदर में, वही भाई साहब नंबर कॉल कर रहे थे, भाई यहाँ से निकलते हैं, उनको मुश्किल से 10-15 का काम वहाँ भी होगा ना, इसी बस मिल के वहाँ से फुर्सत होगा, फिर देखते कि अगला काम क्या है। ऐसे भाई ऐसे रह रहे के एक काम आते भाई हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी खुद को ठिका रहे नहीं कि कब फुर्सत मिलेगी और कब फ्री बैठेंगे। सनलाइट पर कितना अच्छा आ रहा, सही बात है, फ्लैश ऐसा फिल्टर पर, फिल्टर नहीं भैया ओरिजिनल बना रहा हूँ, शाम की वीडियो कितनी शानदार। तो यहाँ से चलते भाई सीधे सदर, सदर में जिस भाई साहब से हमको मिल के आना था वो वाला काम हो गया है। अभी याद आया कि हमारे नल का जो पाइप है ना, उसका जो नल लगता है जिस पर टुल्लू वाले पाइप में, वो टूट गया है, तो भाई उसको लेने की चलना पड़ेगा अपन को सिविर सेंटर, जहाँ ये नल वल के पाइप मिलते ना वहाँ पर। आ गए भाई दुकान में, यहाँ मिलेगा हमें टुल्लू पंप का जो सटक वटक पाइप लेनी ना यहाँ पर। भाई चलो अंदर चलते हैं और अपना सामान निकलवाना शुरू करते हैं, और सामान निकलना शुरू हो गया है। भाई साहब बताते जा रहे हैं कैसे कैसे कनेक्शन करना, क्या हमारा जो नल का पाइप है ना वो बीच से टूट गया था, ऐसा सिस्टम फिट होगा उसमें, तब हम सटक लगाएंगे कौन सा वाला, ये वाला, तब पानी मिलेगा भाई, अभी तो पानी आ ही नहीं रहा है, हो सकता है इस कारण से ना आ रहा हो कि कनेक्शन लूज है या ढीला, तो बताओ। ये देखो ये वाला टूट गया था अपने को, अब इसमें एक फुट अपन पीवीसी पाइप और जोड़ेंगे, फिर उसमें एक कनेक्टर लगेगा, तब जाके नल आएगा, अपनी व्यवस्था बनाते हैं, अब सुबह देखते हैं कि नल आता है कि नहीं। बैक टू होम, और आते ही भाई मिल गई गर्मा गर्म चाय, ये हमारी शाम की चाय, पी के बताते कैसी बनी है। आहा, क्या मस्त चाय बनी भाई, शानदार, मम्मी जी ने भाई सान दिया शानदार मैदा, अब बनेगी मठरी, सलोनी, खुरमी, बतिया, बहुत सारा आइटम बनेगा। ये देखो भाई ये मम्मी की ना बढ़िया, पहले मैदे को मोन दिया है, ठीक है ना, कुर्रम कुर्रम करने के लिए, उसके बाद इतना मैदा सान दिया है भाई, क्या है बहुत समय लगता है इसको बनाने में, तो अभी ये हमने इतना, मम्मी कितने किलो साने हो आपने, 1 किलो मैदा साने हैं, अब इसको भाई गोल गोल रोटी जैसा बेलेंगे, फिर उसको डिजाइन काटेंगे बढ़िया, अभी आपको सब दिखाते, शानदार स्नैक बनने वाला भाई, बहुत सारा। भाई साहब मैदे की बड़ी बड़ी पूरी टाइप के बना रहे हैं, उसके बाद भाई इसमें कटेगी खुरमी, ये देखो इस तरह की पूरी अच्छी बड़ी चौकी बराबर रोटी बनानी पड़ती है, और गाइस उस प्रकार की कटती है बहुत शानदार, ट्रायंगल में ये तिरछी तिरछी सलोनी, ये देखो ये सब सलोनी, ये देखो ऐसी दिखती है, ठीक है, तो इसकी ये बनेगी और ये सब पूरा बनेगा। इसके बाद भाई करेला बनेगा, करेला बोले तो नमकीन, आप लोगों ने देखा हो कि ना देखा हो, हम आपको पूरा मस्त डिजाइन लगती है, और जब वो खुलता है ना तेल में तो बहुत शानदार लगता है। तो भाई पहले हम खुरमी काट लें, उसके बाद हम बड़ी बड़ी सलोनी काटेंगे जो मठड़ी बोलते हैं जिसको वो, उसके बाद बनाएंगे करेला, तो भाई इसमें लगने वाला बहुत ज्यादा समय। मम्मी जी ने मैदा सान के दे दिया भाई, अब इतनी देर तो खड़ी रह नहीं सकती, तो उनको भाई अपन ने टीवी और फिल्म लगा के दे दिया है, मस्त कूलर चालू, मम्मी जी फिल्म देख रही है, हम दोनों भाई आराम से प्लेटफॉर्म पर मैं बैठ जाता हूँ, भाई साहब बड़े खड़े खड़े काम करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम खुरमी काटेंगे, तो ऐसे करके काम बांट बांट के अपना पूरा नाश्ता भाई तैयार होगा, उसके बाद कढ़ाइया बैठाएंगे तो सब एक बार में पूरा तलने वाला काम करेंगे मस्त। तो भाई मैं प्लेटफॉर्म पे पानी गिर गया उसको पहुंचूं और आराम से बैठ जाता हूँ, गप्पे मारते मारते भाई काम भी हो जाएगा। मैंने भाई बोला था ना मैदे का करेला बनाएंगे, तो देखो करेला कैसे बनता है भाई, इसको करेला ही कहा जाता है ना, ये देखो पूरी बनाई और बीच से अपन ने इसको चक्कू से काट दिया, भाई साहब बताओ करेला कैसे बनता है, देखो ये है मैदे का भाई नमकीन करेला, ये देखो ये गोल 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 घुमाना है पूरी पट्टियों को, और आखिरी में जॉइंट रखना है, जॉइंट तोड़ना नहीं है आखिरी में, ये जॉइंट है, हाँ पकड़ के ऐसे दबा देंगे खुलेगा नहीं, हाँ खुलेगा नहीं तो, और ये सब पट्टियाँ अलग हैं, ठीक है पूरी पट्टियाँ अलग हैं, जैसे इसको तेल में डालेंगे ना पूरी पट्टियाँ खुल, ऐसा खुल जाएगा, मोटा करेला हो जाएगा। तो भाई हमारा देखो ऐसे करेले इतने सारे यहाँ पर रखते जा रहे हैं हम लोग, और ये तेल में खुलेगा ना बहुत शानदार लगेगा। और मम्मी जी ने चढ़ा दी भाई खिचड़ी, शानदार खिचड़ी बनेगी और हम लोग यहाँ नाश्ता बनाएंगे, तो भाई ऐसा बनता नमकीन करेला, बहुत स्वादिष्ट लगता, तल्ले के बाद असली चीज दिखेगी, ये बना रहे तो खाना बनाने के टाइम तो है नहीं, सही बात है, बनाओ। अरे हल्का ही खाने की इच्छा है, डिनर भाई हमारा तैयार है, ये देखो शानदार मूंग दाल की खिचड़ी, वो भी देसी घी से तड़का लगा कर, खाना पीना खाकर हो गए भाई फुर्सत, अब आराम से इसको तलने का काम किया जाएगा, क्या खाना खा लो तो दिमाग भी फ्रेश हुआ। तो भाई तुझे हमारे पूरे
ये सब बन चुके हैं और ये जब तलेंगे ना इसका दो गुना हो जाएगा। और भाई साहब ने कढ़ाइया में तेल देखो यार कितना डाल दिया। कहा भैया नाव चलाओगे? कहा दो दिन चल जाता नहीं है। अरे बाप रे छलक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। चलो डालो करेला। मैं करेला पहले तल, आराम आराम से पहले छनोटा अलग कर लो ना, धीरे धीरे डालना भैया तेल वेल ना गिरे। गाइस हमारे करेले अंदर जा चुके हैं और बढ़िया आंच में इसको तला जाएगा। जब अभी खुल जाएंगे देना पूरी परत खुल जाएगी, बहुत शानदार। पूरे करेले भाई एक ही बार में कढ़ैया में समा चुके हैं और बिल्कुल हमने डीम आंच कर दी है, बिल्कुल धीरे गैस कर दी है। ये धीरे धीरे पक के देखो खुलना चालू हो गए हैं। भाई साहब का कहना है ये धीरे सेकेंगे तो परत खुलेगी एक नंबर की, है ना, कुरकुरे होंगे। तो भाई ये तलना शुरू किया, पहला खान ये है, उसके बाद ये तलेगा, फिर वो तलेगा, तो परात भर जाएगा, पूरा परात भर के नाश्ता बनेगा, मस्त मजा आएगा, है ना। तो कितनी देर, आधा पौ एक घंटा तो लग ही जाएगा सबको तलने में। सबको तलते तलते भाई कम से कम एक घंटा लग जाएगा, है ना। तो इसको अभी टच मत करो और धीरे धीरे तलने दो। भाई घंटों की मेहनत के बाद बहुत शानदार चीज बन गई है। देखो ये करेला, ये लंबी वाली सलोनी, ये छोटी वाली सलोनी, है ना, जिसको मठली बोलते हैं, सलोनी बोलते हैं और खुरमी भी बोलते हैं। भाई ये सब देखो फटाफट गजब का तल गया यार, इतना सारा हो गया है। तो नाश्ता बढ़िया तैयार हो गया, इन सबको डिब्बे में भर देंगे, रोज सुबह शाम बढ़िया खाएंगे, है ना। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, सातों कमरे भर गए, बहुत शानदार। तो ये भाई हमारा इतना शानदार नाश्ता तैयार हो गया, बेस्ट नाश्ता भाई, बढ़िया एक नंबर का। ये गाइस मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था यार, बहुत तेज नींद आने लगी है, देखो पूरी आंखों में नींद भर चुकी है। तो मैंने मोबाइल रख दिया है, अब मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।